Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the fifth worksheet, which is from geography book, first chapter, resources and development. And from this chapter, this is second worksheet. In our previous worksheet, we discussed about the definition of resources, what makes a thing or anything a resource, and the types of resources in detail. Today, we will discuss about the Sustainable Development Agenda 21. So, are you ready? Let's get started. What is the meaning of sustainable development? Students, I have already uploaded a video from Economics Chapter Development. और उसके अंदर भी सेम टॉपिक कवर हुआ है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग, मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. अगर आप चाहें तो उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं. अब आते हैं आज के टॉपिक पर. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एट प्रेजेंट में हमारी जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं, इतने रिसोर्सेज हम यूज़ करें और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ सेव करके रखें. ऐसा ना हो कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. मैंने दो तरीके से आपको डेफिनेशन समझाई है. जो आपको इजी लगे आप वो याद कर सकते हैं. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों ही काउंट होते हैं. इन दोनों के बारे में हम अपनी लास्ट, इससे पहले की जो वर्कशीट थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज किए थे, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी जब हमने टाइप्स की थी, तब वहाँ पर हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों को अच्छे से समझा है. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो आपको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑलमोस्ट एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं. नाउ द एजेंडा 21, जिसे रियो अर्थ समिट 1992 भी कहते हैं और इसे अर्थ समिट एजेंडा 21 भी कहते हैं. एजेंडा 21 आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम इसको डिटेल में समझेंगे. अर्थ समिट यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को रियो द जेनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर है रियो द जेनेरियो, वहाँ पर एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी जिसके अंदर सभी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर गए थे 1992 में, जिसको नाम दिया गया था अर्थ समिट. यानी कि ये हमारी अर्थ पर होने वाली प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट, यानी कि उनको मिलकर डिस्कस करने के लिए, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पर 21 जो रूल्स थे वो बनाए गए थे और सभी रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनको फॉलो करने की बात कही थी, इसीलिए इसको एजेंडा 21 भी कहते हैं. इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पर फोकस किया गया था. एंड एजेंडा 21 इस्टेब्लिश्ड एट द एज एट द 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो द जेनेरियो ब्राज़ील. एजेंडा 21 इज़ अ कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वॉज एग्रीड बाई मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट. और इसमें फोकस किया गया था थ्री ईज के ऊपर, दैट इज़ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, इकोनॉमी और इक्विटी. यानी कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए पॉलिसीज बनानी है, इकोनॉमी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और सोशल इक्विटी यानी कि सोशल इक्वालिटी के बेस पर भी किसी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. एंड इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट, ये एक एजेंडा था किसका सोल्यूशन निकालने के लिए, इन्वायरमेंटल डैमेज, हमारे इन्वायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है हम उसे कैसे बचा सकते हैं, पॉवर्टी और डिजीज़, और इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें कैसे निकालना है, ग्लोबल कोऑपरेशन से हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा, हमारी जो नीड्स हैं वो म्यूचुअल हैं और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी हमें शेयर करनी चाहिए, तभी हम इस
टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आफ्टर दैट दी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर महात्मा गांधी की कोट बहुत फेमस है, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट मैनी मैंस ग्रीड। स्टूडेंट्स, आपकी जो वर्कशीट है उसमें भी डेफिनेशन को थोड़ा सा कोट को चेंज कर दिया है, देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ऑलमोस्ट दोनों ही सेम हैं, कहने का मतलब यही है कि जिस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं वो है क्या। जनरली डेवलपमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अचीविंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इस सब को अचीव करने के लिए हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, हमने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी। अब जो इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है उससे मेनली जो प्रॉफिट है वो किसको हो रहा है, कुछ ही लोगों को जिनके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन जो उन में वर्कर्स की तरह काम करते हैं क्या उनकी लाइफस्टाइल में कोई स्टैंडर्ड आया है? नहीं। तो इसीलिए महात्मा गांधी की ये कोट कही गई है कि हमारी अर्थ ने इतने रिसोर्सेज हमें दिए हैं कि हम सबकी नीड सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन यदि इतने रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं हैं कि किसी की लालच को सेटिस्फाई कर पाएँ, यानी कि किसी की ग्रीड को सेटिस्फाई कर पाएँ। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कोट, कई बार इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ लिया जाता है कि इसको एक्सप्लेन किए क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद है लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि जो लैंड है हम उसको इंडिया में किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब जिसे हम लैंड यूज़ पैटर्न भी कहते हैं, ये एक लेआउट या अरेंजमेंट होता है कि लैंड को कैसे कैसे यूज़ करना है। और ये लैंड एग्रीकल्चरल, ये जो लैंड है ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जा सकती है, फॉरेस्ट के लिए, पेस्चर लैंड, पेस्चर होता है पशुओं को चराने के लिए जो चरागाह होती है। लैंड यूज़ इज़ डिटरमाइंड बाय मेनी फैक्टर्स लाइक रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, सॉइल, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, टेक्निकल एंड सोशो इकोनॉमिक्स फैक्टर। हमें लैंड यूज़ डिटरमाइन करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो इंडिया में जो लैंड यूटिलाइजेशन है, ये आपकी वर्कशीट में दिया गया है कि जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो फॉरेस्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फोलो लैंड्स, परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, नेट सोन एरिया। अब ये हैं क्या? ओके, अब इनको वन बाई वन, फॉरेस्ट आप सबको पता है कि क्या होती है। सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इट मीन्स जो लैंड है ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, उस लैंड को हमने ट्रांसपोर्ट रूट्स, कैनाल्स, क्वरीज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, मार्शेस या फिर बिल्डिंग्स बना ली हैं, जिसकी वजह से वो हमें अब एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगी। और ऐसी लैंड टोटल लैंड का 12.11% है इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आर हैविंग मोर एरिया अंडर दिस कैटेगरी। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन मीन्स एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने उसको किसी और पर्पज़ में यूज़ कर लिया है, बिल्डिंग्स बना ली हैं, सड़कें बना ली हैं, नहरें बना दी हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं। तो ऐसे थर्ड वन था आपका फोलो लैंड्स। फोलो लैंड्स क्या होती हैं? फोलो लैंड्स द लैंड विच इज़ यू नॉट यूटिलाइज फॉर कल्टीवेशन फॉर लास्ट 3 to 5 years इन कंसिडर्ड एज फोलो लैंड्स। मतलब ऐसी लैंड जो वेस्ट है 3 to 5, यानी 3 से 5 साल तक उस पर कोई कृषि नहीं की गई है, ऐसी लैंड को हम फोलो लैंड कहते हैं। और ये टोटल लैंड का 8.13% है। और इसके अंदर राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड आते हैं। अदर कल्टीवेटेड लैंड्स इंक्लूडिंग फोलो लैंड्स, यानी कि दूसरी जो ऐसी लैंड जिस पर हम कृषि नहीं कर सकते हैं जिसमें फोलो लैंड भी शामिल है,
वो होती हैं, उसको हमने किसी पैस्चर की तरह यानी कि चरागाह की तरह यूज़ कर लिया, या उसको परमानेंटली ही ग्रेजिंग एरिया बना दिया है, या बहुत सारी पेड़ों में, फसलों में, इस तरह से हमने उसको, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कृषि नहीं कर पा रहे हैं, उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं, और ये है 8.6%। अब जब हम इन सारी लैंड्स को हटा देते हैं तब हमारे पास आता है नेट एरिया, नेट सोन एरिया, यानी कि एग्जैक्ट वो वाला एरिया जिसके ऊपर अभी एट प्रेजेंट हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और वो है 46.2% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग लैंड इन इंडिया। तो आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे लैंड यूटिलाइजेशन के, लैंड को कैसे कैसे यूज़ किया जा रहा है इंडिया में। अब बात कर लेते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? लैंड को इतना वेस्ट कर देना, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, उसको इतना यूज़ कर लेना कि वो अब एग्रीकल्चर के योग्य ही नहीं है, उस पर अब एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता है, उसे कहते हैं लैंड डिग्रेड होना, यानी कि लैंड की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाना या कम हो जाना। अब इसके रीज़न क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग पशुओं को चराना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम अपनी क्रॉप्स को ज़्यादा उगाने के लिए बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, क्लाइमेट के अंदर चेंजेज हो रहे हैं, ओवर इरिगेशन हो रही है यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हम अपने खेतों को इरिगेट कर रहे हैं, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसका एक रीज़न है। ऐसे इसके बहुत सारे रीज़न हैं, आपके वर्कशीट्स में जो दिए गए हैं हम उन पर आते हैं। फर्स्ट है माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अब इन्हीं को हम, जैसे हमने अपने लैंड यूटिलाइजेशन को पढ़ा है, अब इनको भी एक एक करके जान लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि माइनिंग क्या होती है, मैम हमने देखी नहीं है, तो हेयर यू कैन सी द माइनिंग। अब आप आइडिया लगाइए कि आपको ये व्हीकल नज़र आ रहे होंगे जो इतने छोटे हैं, तो देखिए कितना सारा लैंड हमने माइनिंग के लिए यूज़ कर रखा है। तो हमने बहुत सारी लैंड को माइनिंग में यूज़ कर दिया है, और जब हम माइनिंग करते हैं, जब हम, जैसे ये कॉयल माइन का फोटोग्राफ है, तो जब हम माइनिंग करते हैं तो उससे बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं वो उड़ते रहते हैं, और आसपास की जो भी ज़मीन होती है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर हो रहा है वो वहाँ पर चले जाते हैं, और जैसे ही बारिश होती है उसकी एक लेयर सी उस लैंड के ऊपर जम जाती है, जिससे वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहती। तो माइनिंग की वजह से भी लैंड जो डिग्रेड होती है। सेकंड है हमारा ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से क्या नुकसान होता है? जैसे हम पशुओं को चराते हैं तो पशुओं के जो खुर होते हैं, जो पैर होते हैं, वो बहुत सारी लैंड को ख़राब कर देते हैं, जिससे हमारी जो लैंड की क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है, और हम उस पर ज़्यादा अच्छी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। थर्ड वन है ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन मीन्स, जैसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन आया था 1967 to 69, तब से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। फसलों की जो प्रोडक्शन है, क्रॉप्स की, वो तो इंक्रीज हो गई थी, लेकिन लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है, क्योंकि जो लैंड का जो पीएच पावर होती है वो डिक्रीज हो गई है, जो रूट्स के अंदर ऑक्सीजन होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है जब हम ज़्यादा पानी देते हैं, क्योंकि अति, ओवर इरिगेशन यानी अति हर चीज़ की बुरी। आपने सुना होगा इस कोट को कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, यानी कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो उसे यूज़ करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। ऐसे ही जो रूट्स हैं, जब पानी ज़्यादा हम अपनी फसलों में देते हैं तो पौधों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जो ज़्यादा देर तक उनकी रूट्स में जब पानी खड़ा रहता है तो जो रूट्स हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, और जिसकी वजह से उनमें जो एयर का एक्सचेंज होता है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो ओवर इरीगेशन भी डैमेज करती है हमारी सॉइल को, हमारी लैंड को। नाउ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इसे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैसे लैंड को डिग्रेड करता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डीफॉरेस्टेशन।
यानी कि जब हम पेड़ों को काट रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो गया है, और जिसकी वजह से भी जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, क्योंकि हम उस लैंड को, उन ट्रीज़ को काट करके, फॉरेस्ट को काट करके वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगा रहे हैं, जिससे हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी ख़त्म हो रही है। तो दीज आर द रीजंस और कॉजेज यू कैन से ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट है हाउ डज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कोज लैंड डिग्रेडेशन विद, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल से इसको समझाना है कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो कैसे लैंड को डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उदाहरण देकर समझाइए। सेकेंड वन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग से आप क्या समझते हो, एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन। यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, अपितु यह हमने अपनी आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिसे हमें उन्हें लौटाना है। जब आप किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं तो आपको उसको रिटर्न करना होता है। ये जो कोट है इसे एक्सप्लेन करते हुए आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है। अब इस क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो आपकी वर्कशीट में डिस्कस नहीं किया गया है, दैट इज़ द रिसोर्स प्लानिंग। ओके, रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, ये एक स्किल या एक टेक्निक होती है जिसके जरिए रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है हम वो प्लान करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स प्लानिंग। अब कोई भी रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए इंडिया में 3 स्टेप्स को फॉलो किया गया है, एंड गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ये जो लास्ट सेशन हुआ था इसके अंदर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसे अच्छे से समझ लीजिए। रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज बाय सर्वेइंग एंड मैपिंग। सबसे पहले हम सर्वे करते हैं और सर्वे करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिसोर्स हमें कहां पर मिलेगा, उसके बाद हम उसकी मैपिंग करते हैं, मैप में उसको दिखाते हैं कि ये रिसोर्स यहाँ पर है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, सर्वे करके आइडेंटिफाई करके उसको मैपिंग करना। सेकंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, अब उस रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रक्चर प्लान करना। और थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब जो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बना लिया है, क्या वो हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उससे मैच हो रहा है, और उसको मैच करना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई, सर्वे करके आइडेंटिफाई करना और मैपिंग करना। सेकंड है प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, और थर्ड है अपनी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना। तो दिस इज़ called the steps of resource planning. And now the importance of resource planning. हम resource planning करते क्यों हैं? Okay, ये necessary होती है हमें अपने development को, जो India की development है उसे balance करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे regions होते हैं जो किसी resources में बहुत rich हैं, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं, लाइक राजस्थान। आपको पता है पानी की कितनी बड़ी समस्या है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर हमें सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, तो क्या पानी के बगैर वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं। उस तक पानी कैसे पहुँचाना है, पानी जो रिसोर्स है उसको वो कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे उन तक वो पहुँचाना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग।
इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है. सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट व्हाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. जैसे मध्य प्रदेश है, इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन लद्दाख, वहाँ तो बर्फ़ गिरती है, वहाँ रिसोर्सेज हैं ही नहीं. तो क्या वहाँ पर कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, और जो पॉपुलेशन है वो कैसे सर्वाइव करेगी? तो उनकी सर्वाइविंग का ध्यान भी हमें रखना पड़ता है. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग. जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स हैं, इट डजंट मीन कि वो उनको वेस्ट करेगा. तो उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे वेस्टेज को रोका जा सकता है. इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी कम करना है, और किसी भी रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा उसको ना निकालें, ये भी रिसोर्स प्लानिंग की वजह से ही हम कर सकते हैं. तो देखा आपने रिसोर्स प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है. दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वर्कशीट. आई होप मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं स्टूडेंट्स. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू थिंक कि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ और आप बहुत अच्छे से आपकी स्टडीज़ में इन वीडियोज़ के जरिए हेल्प हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड stay home. Have a good day.